तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। हमने इससे पहले की वीडियो में क्या बता दिए, सारे फॉर्मूले बता दिए, कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। आज इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है, करने पर। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इंग्लिश वाले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका करो तो ये कितना होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये साइन है, इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो। जब ये पूरा x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया है कितना हो जाता है, cos, और ये आपका x ऐसी रहेगा, ठीक है। साइन ये पूरा का पूरा x हमने मान लिया, इस ढक दिया तो x हो गया। साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, ये x ही तो है। अब इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy dx कितना, x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दो इधर आएगा, यानी कि हो जाएगा 2x प्लस, और 5 क्या है, एक कांस्टेंट चीज़ है, तो वो क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके साथ कुछ है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, 0। अब 0 का तो कोई रोल होता नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन 2x इंटू cos x स्क्वायर प्लस 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है।